गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं शंख को कैसे पहचानना है, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। अब शंख में दो आते हैं, विथ स्किन और विदाउट स्किन। विथ स्किन मतलब इसके अंदर जब एनिमल जिंदा रहेगा और वो एनिमल को निकाला जाता है तो ये इसके ऊपर ब्लैक लेयर रहेगा, तो ये विथ स्किन रहेगा, तो इसके अंदर का एनिमल जिंदा रहता है, इसको निकाल देते हैं तो ये ब्लैक लेयर रहेगा स्किन, इसको स्किन कहते हैं। और एक दूसरा आता है, इसके अंदर का एनिमल मर चुका रहता है और फिर ये इसके ऊपर मिट्टी सैंड वगैरह आ जाता है और फिर ये दब जाता है नीचे, तो इसी कारण क्या हो जाता है, कीटाणु कीड़े वगैरह इसके ऊपर का लेयर खा जाते हैं, तो ये भी ओरिजिनल ही है। इसको ऐसा एक ऊपर टिप रहेगा, इधर से सर्कल्स चालू हो जाएंगे ये ऐसे, तो ये मिट्टी के अंदर पूरा दबा रहता है नीचे, तो इसको मिट्टी निकाल के निकाल देते हैं, तो ये विथ स्किन हो गया, इसके अंदर एनिमल जिंदा रहता है इसको निकाल देते हैं, और ये इसके अंदर एनिमल मर चुका रहता है, इसके ऊपर स्किन नहीं रहेगा। तो हमको पहचानना कैसा है कि ये ओरिजिनल शंख ही है, इसके अंदर जो गूंगा रहता है वो गूंगा जब अंदर बाहर होता है तो इसके ऊपर ऐसे लाइंस रहेंगे, आप गौर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ये लाइंस दिखेंगे आपको, ये इसमें भी रहेंगे, आपको इसमें भी दिखाता हूँ मैं, ये जब ऊपर का स्किन चला जाएगा तो एक दिख रहा है, 1 2 3 4 छोटा है इधर, 5 लाइंस रहेंगे, तो वो एक आइडेंटिफिकेशन हो गया शंख को पहचानने का ओरिजिनल। सेकंड, इसका नाभि, इधर आप जो देख रहे इसको ये नाभि कहते हैं, ये छोटे शंख के लिए छोटा रहेगा, अगर शंख बड़ा है तो उसमें क्लियरली आइडेंटिफाई होगा आपको, इधर रहेगा, बड़े शंख में आपको दिखाता हूं मैं, क्लियरली दिखेगा आपको ये बड़ा शंख है, इसमें लिप रहेगा एज इट इज, ये शंख में आपको जो दिख रहा है ये लिप हो गया, और ये जो नाभि है क्लियरली आपको दिखेगा, इधर इसके अंदर ऐसा कुछ ब्लैक लेयर वगैरह रहता है, यूज करने के बाद चला जाता है, ये क्लियरली आपको बड़े शंख में दिखेगा, छोटे में उतना क्लियरली नहीं दिखेगा, और बड़े शंख में ये 5 लाइंस भी आपको इजीली दिखेंगे, 1 2 3 4 5 ये 5 लाइंस, बड़ा शंख कुछ ऐसा दिखेगा आपको, दिखने में उतना अट्रैक्टिव नहीं रहेगा लेकिन ये ओरिजिनल है। स्टार्टिंग में ये शंख को भी सेम ऐसा ही ब्लैक लेयर था, इसको यूज कर करके फिर ये ऊपर का लेयर ऑटोमेटिकली चला जाता है और ये ऐसा दिखेगा। स्टार्टिंग में ये जो शंख है बड़ा वाला ऐसा दिखता था, फिर यूज करने के बाद बाद ऐसा ऐसा निकल जाता है, थोड़ा थोड़ा ब्लैक लेयर निकलते यूज करते करते फिर ऐसा पूरा वाइट दिखेगा आपको। दो चीजों से हम पहचान सकते हैं शंख को, एक तो ये लाइंस दिखने चाहिए, दूसरा ये नाभि दिखना चाहिए, ये दो हो गया। अब ये जो शंख आप देख रहे हैं ये पॉलिश्ड नहीं है, एज इट इज नेचुरल शंख है। अभी पॉलिशिंग शंख आपको दिखाता हूँ, पॉलिश्ड शंख जिसमें ऊपर का लेयर पूरा पॉलिशिंग करके निकाला जाता है, अब ये पॉलिश्ड शंख है, ऊपर का पूरा शंख को पॉलिश कर देते हैं, तो अब ये केस में आपको ये 5 लाइंस नहीं दिखेंगे, ये लाइंस नहीं दिखेंगे, तो फिर आप शंख को कैसे पहचानेंगे, तब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो केस में भी अब पॉलिश्ड शंख में होता क्या है, ये लिप को पूरा निकाल देते हैं ग्राइंडिंग करके, लिप को निकालने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ बचता है, ये जो नाभि दिख रहा है आपको, ये थोड़ा तो आपको दिखना चाहिए, ये जो है ये ब्लैक लेयर ओरिजिनल रहेगा, तो वो केस में हम पहचान सकते हैं कि ये ओरिजिनल है। थोड़े केस में पूरा ग्राइंड करके निकाल देते हैं, तब मुश्किल हो जाता है पहचानने के लिए,
और जनरली जो शंख रहता है, नॉर्मली जो शंख हमको मिलता है, इसके अंदर चार लाइंस रहेंगे, 1, 2, 3 और 4। गौर से आप देखेंगे तो चार लाइंस रहेंगी, फोर्थ लाइन छोटा रहेगा। इसमें देखेंगे आपको चार लाइंस, 1, 2, 3 और छोटा वाला 4। उसमें और थोड़े टाइप्स ऐसे भी रहेंगे। अब ये वाला शंख, ये बहुत साल से मिट्टी के नीचे था, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें थोड़े होल्स भी आ जाते हैं। इधर आप देखेंगे तो ये छोटे 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 होल्स रहेंगे। लिप रहेगा, लिप एज इट इज है, इसको कुछ कुछ नहीं किया है, बस इसको लेके होल इधर किया है हमने, कुछ मशीनिंग नहीं, कुछ पॉलिशिंग नहीं, एज इट इज टेकन फ्रॉम सी। तो ऐसा शंख की पहचान हम कर सकते हैं। अगर आप विथ स्किन लेंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। लिप रहेगा, ये इधर छोटा नाभि रहेगा, अंदर चार लाइंस रहेंगे, फिर ऊपर से ऐसा दिखेगा ये 1, 2, 3, 4 छोटे 4-5 लाइंस, तो इजीली आइडेंटिफाई होगा। बड़ा रहेगा तो क्लियरली आपको दिखेगा, ये लाइंस दिखेंगे, लिप रहेगा, फिर ये नाभि रहेगा, अंदर चार लाइंस दिखेंगे आपको, तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।